हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरी प्यारी बेटी प्रिया, नानी के हाथ से खाना खाई थी ना, देखो दाल चावल, मुँह खोलो सुनो, अपनी नानी की बात मानती है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, खाओ खाओ खाओ। अरे वाह, आ कर लो। अरे वाह, मुँह खोलो। अरे देखो खा लिया। अरे कितनी प्यारी है मेरी बेटी। प्रिया बेटा, बेटा देख ये हाथी अभी कैसे ढोल बजाएगा। हाँ देख, ये बटन दबाया। देख देख कैसे ढोल बजा रहा है। हाँ, और ये सूंड सूंड देख, ऐसे नीचे ऊपर कैसे कर रहा है। हाँ, पकड़ 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 पकड़। कितने बड़े बड़े कान हाथी के। हाँ, ये सूंड देखो, ऐसे नीचे ऊपर। अभी इसको रोके। हाँ ये देखे, ये नाका चलोगे? है कि खर्चा नहीं, आई को मिलना है ना? आ गई आई? अरे वाह, आ जाओ मेरा बच्चा। वाह क्यों? तो प्रिया ने आज क्या खाया नानी के घर? बस थोड़े से चावल खाए। आई हाँ, अच्छा बच्ची, अच्छा बच्चा, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो आज। अरे आई मत पूछ, आज ऑफिस में बहुत काम था, बस बैठी थी कि तूने बेल बजाई। खाना बनाना बाकी होगा ना? हाँ। तो कहे तो मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, खाना बना ले। अरे नहीं आई, तू चिंता मत कर, वैसे ही तू हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है। क्यों, प्रिया हमारी बेटी नहीं है क्या? अरे हमारा भी मन लगा रहता है जब प्रिया घर में रहती है। हाँ आई, लेकिन तुझे बाबा के लिए भी तो खाना बनाना होगा ना, और अजय भी 7:30 तक आ जाएंगे, जब वो आएंगे तब मैं खाना बना लूंगी, और जब तक पापा नहीं आते हैं प्रिया हमारे साथ खेलेगी, है ना? मैं अब निकलती हूँ, सुबह से लेने फिर आओ। टाटा प्रिया। प्रिया नानी को टाटा करो, जल्दी से टाटा करो। चल हाय। अड़तालीस वर्षीय कविता तावड़े का सारा वक्त अपनी 6 साल की नातिन प्रिया की देखभाल में कटता था। प्रिया के माँ बाप दोनों काम पर जाते थे, इसलिए प्रिया दिन भर अपने नाना नानी के घर पर रहती थी, और फिर शाम को उसकी नानी वापस उसे उसके घर पर छोड़ देती थी। लेकिन एक शाम इस मासूम बच्ची के साथ एक अनहोनी घटना घटी। पहले आप शांत हो जाइए कविता जी, और ठीक से बताएं मुझे कि हुआ क्या है। कुछ लोग उसे हुआ करके ले गए साहब। कहाँ हुआ ये, और आप कहाँ से बोल रही? मैं विरार के भूमि प्रेम बिल्डिंग के बाहर से बोल रही हूँ साहब। साहब मेरी बेटी यहाँ रहती है, मैं अपनी नातिन को यहाँ छोड़ने आई थी, कुछ लोग उसे रिक्शा में ले गए साहब। साहब मेरी नातिन बहुत छोटी है। देखिए कविता जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारी पुलिस टीम वहाँ जल्द से जल्द पहुँच रही है।
बाजी आपने रिक्शा का नंबर तो देखा ही होगा ना? आई प्रिया कहाँ है वो? ले गए। ले गए? कौन ले गए उसको? वो ले गए। कहाँ ले गए आई? बोल तो कुछ। कौन ले गए आई? बोलना। ले गए उसे। अब मैं रोज की तरफ प्रिया को रिक्शा में लेकर आ रही थी। भाव नाका इधर ही आकर रुकी थी। मैं प्रिया को लेकर नीचे उतर गई, बस पैसे ही निकालने वाली थी कि अचानक रिक्शा किस तरफ गई? उस तरफ गई, लेकिन मैं ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई। क्या हुआ कविता? क्या हुआ? सर इस एरिया में ज्यादातर शेयरिंग ऑटो चलते हैं। क्या प्रिया को छोड़ने अक्सर उसी ऑटो में आती जाती थी? नहीं साहब, जो ऑटो मिल जाती थी वो ले लेती थी। आई, तूने उस औरत को पहले भी कभी देखा है क्या? नहीं, मैंने उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं। मेरा सारा ध्यान तो प्रिया के साथ खेलने में लगा था। सब हमने जब चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो हम दौड़ते हुए यहाँ पहुँचे। देखा तो माजी वहाँ बैठे रो रहे थे। शायद हमारे आने से पहले सर ऑटो जा चुका था। आज छुट्टी का दिन है तो लोग भी कम होंगे आसपास। सर शायद ये किडनैपिंग पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। आप अपने नातिन को लाने ले जाने रोज यहाँ आती जाती है, कभी ऐसा लगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई फॉलो कर रहा है? नहीं साहब, लेकिन अगर कोई करता भी होगा तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सर यहाँ पास में ही ऑटो रिक्शा स्टैंड है, मैं वहाँ इंक्वायरी करता हूँ। ठीक है। छह साल की प्रिया जब अपने घर वापस लौट रही थी तो उसे उसकी नानी के हाथों से जबरदस्ती छीन लिया गया। एक शेयरिंग ऑटो और उसमें सवार एक आदमी और औरत इस किडनैपिंग केस के प्राइम सस्पेक्ट थे। साहब मैं तो आज उस तरफ गया ही नहीं। जेल गया कभी? सच सच बता दे, नहीं तो आज जाएगा। याद कर, तू नहीं तो तेरा कोई साथी होगा। माँ के समझा, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी भूल थी, मुझे चौकन्ना रहना चाहिए था, लेकिन मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रिया के साथ। कविता जी, पूरे चांसेस है कि कोई तो आपका कई दिनों से पीछा कर रहा था। ये किडनैपिंग पूरे प्लानिंग के साथ की गई है, अगर ये किडनैपिंग है तो। सर मेरी प्रिया को कोई किडनैप क्यों करेगा? प्रिया ना तो ठीक से चल सकती है, ना ही बोल सकती है। वो तो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाएगी, वो आम बच्चों की तरह नहीं है। सर सर मेरी प्रिया स्पेशल चाइल्ड है सर। सॉरी, रिपोर्ट्स लास्ट टाइम जैसी है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। तो डॉक्टर हमारी प्रिया क्या हमेशा ऐसी रहेगी? देखिए, रेगुलर मेडिकेशन से और थेरेपी से उम्र बढ़ने के साथ साथ थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, पर इससे ज़्यादा आप उम्मीद मत रखिए। आपको तो पता ही है प्रिया को सेरेब्रल पैल्सी है। नॉर्मली ऐसे बच्चों का मानसिक विकास काफ़ी स्लो होता है,
और उसे दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना ठीक नहीं। सॉरी, पर आप चिंता मत कीजिए, हम प्रिया को जल्द से जल्द ढूंढ निकालें। सब मेरी गलती है। आई शांत हो जा, तेरी गलती नहीं है। पता है, आज सुबह उसका खाने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। खा लो ना बेटा, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खोलो। अच्छा चलो नहीं खिलाऊंगी, लेकिन मुंह तो खोलो। देखो तो मेरी प्रिया बेटी के मुंह में कितने दांत हैं। चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। दिखाओ दांत, दिखाओ मेरे को। जल्दी जल्दी खा लो, खा लो, खा लो। शाबाश, ये वक्त उसके खाने का है, भूखी होगी मेरी प्रिया। देखिए आप चिंता मत कीजिए, प्रिया को ढूंढने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कविता जी, फिलहाल मुझे इतना बताइए, आपको उस रिक्शा का नंबर याद है? उस रिक्शा के पीछे कुछ लिखा था, कोई नाम, कोई निशानी? आप रिक्शा के पीछे भागी थी, शायद कुछ देखा होगा। जी नहीं, मैं चौंक गई थी, ठीक से कुछ देख नहीं पाए। रिक्शा के अंदर जो दो लोग बैठे थे, उनका चेहरा देखा था आपने? उस औरत ने हाथ में कंगन पहने थे, गले में भी कुछ था उसके। उसने अंदर बैठे बैठे ही प्रिया को मुझसे छीन लिया था। अरे यार, प्रिया, अरे छोड़ मेरे बच्चे को। इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाई। प्रिया एक स्पेशल चाइल्ड थी, इसलिए पुलिस भी इस केस को लेकर काफी चिंतित थी। पुलिस ने प्रिया को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तेरे अलावा और किसके शेयरिंग ऑटो चलते हैं उस रूट पर? वो रूट पर जितना भी ऑटो चलता है उनका नंबर और ड्राइवर का नाम अभी आपको देता हूँ। रघुवीर मिश्रा, घनश्याम तिवारी, सचिन कामले, मोहन देश पांडे, राजेश गुप्ता, शाहिद तलवार और संतोष कुमार, इन सबको लेके 15 मिनट में पुलिस स्टेशन आ जाओ। साहब अब क्या पता कौन कहाँ भाड़ा लेकर गया है, इतनी जल्दी कैसे होगा साहब? सबके सब पुलिस स्टेशन, वो भी 15 मिनट में, वरना तुम लोगों का मीटर डाउन हो जाएगा, समझे? जिस रूट पे तुम लोग ऑटो चलाते हो, ये ऑटो भी उसी रूट पे चल रही थी। ऑटो के अंदर एक आदमी और औरत बैठे थे, ये लड़की उनके साथ थी। किसी ने देखा इस लड़की को? अरे आंखें बंद करके ऑटो चलाते हो क्या? सर, वसई और विरार के बीच करीब 400 से ज्यादा रिक्शा चेक किए, खबरियों को भी काम पे लगाए, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला। एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तक फिरौती के लिए फोन कैसे नहीं आया? हेलो, नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं, हमें अभी तक किसी किडनैपर का कोई फोन नहीं आया। आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई अनबन? सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिया को कोई किडनैप क्यों करेगा। हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं लगता कि पैसों के लिए प्रिया को किडनैप किया होगा। मुझे नहीं लगता ये किडनैपिंग पैसों के लिए की होगी। सर हो सकता है ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग या बैगिंग माफिया का हो, प्रिया को बेचने के लिए किडनैप किया गया हो। अगर ऐसी बात है तो वो लोग प्रिया को जल्द से जल्द दूर भेजने की कोशिश करेंगे, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। सर संजय लोखंडे को बुलवाकर उन किडनैपर्स का स्केच बनवा देते हैं, अगर एक रफ स्केच भी मिल जाए तो हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। ठीक है, संजय को बुला लो। ओके सर। और एक बात, प्रिया एक स्पेशल चाइल्ड है, ये केस भी हमारे लिए स्पेशल है, जो बनता है वो करेंगे।
इस बच्ची का मामला बहुत सेंसिटिव है, वो स्पेशल चाइल्ड है। अगर उसे कुछ हुआ तो हमारी पुलिस फोर्स के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं सर। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कोई बाहर की स्टेट की गैंग भी इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है तो हमारे लिए मुश्किल और बढ़ सकती है। ऐसे में हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, हमें जो कुछ भी करना है जल्द ही करना है। जी सर, मैं समझ सकता हूँ। आपको जो कुछ भी याद है उस आदमी उस औरत के बाद में छोटे से छोटे डिटेल भी आप मुझे बता दीजिए। मैंने उन्हें ठीक से देखा नहीं था, बस एक झलक देखी थी उनकी। ठीक है, उस एक झलक में जो कुछ भी आपने देखा वो बता दीजिए। 6 साल की बच्ची है, ना चल सकती है ना बोल सकती है। इधर तो नहीं देखा इसको। ठीक है, उसके बारे में तुझे अगर कुछ भी सुनाई दे तो तुरंत मुझे बताना। शायद थोड़ी सांवली सी थी वो। और देख, अगर लड़की नहीं मिली ना तो पुलिस वाले तेरी हालत बिगाड़ देंगे, मैं बता रहा हूं। मामला बहुत गर्म है, अगर कुछ भी पता है ना तो सब सीधे सीधे तरीके से बता दे, वरना। अरे धंधे की कसम भाई, अपने किसी गैंग का काम नहीं है ये, और अपना तो वैसे भी रूल है, 12 साल से कम का सौदा अपन उठाते ही नहीं है। आराम से सोचिए। क्या रे सुलेमान, ये लड़की को देखा क्या? इधर तो नहीं दिखी। अगर नहीं दिखी ना तो देख, समझा ना? क्योंकि अगर लड़की नहीं दिखी ना तो पुलिस वाले आएंगे तेरे को देखने के लिए, और फिर तेरा जो दूसरा टांग है ना उसको भी तोड़ डालेंगे, समझा ना? तो अभी काम पे लग, समझा? चल। सौरभ ने पहना क्या था, कुछ याद है आपको? शायद साड़ी पहनी। शायद। अच्छा, वो रिक्शा वाला तो आपके आगे था ना, उसने किस रंग की यूनिफॉर्म पहनी थी? सफेद, खाकी या कुछ और? रिक्शा वाले ने प्रिया हमारे लिए सब कुछ थी, हम सब उससे बहुत प्यार करते थे। क्या प्रिया ज्यादातर वक्त आपके सास के घर पे ही बिताती थी? जी हाँ, मैं और सुरेखा काम पे चले जाते हैं, किसी न किसी का प्रिया के साथ हर वक्त रहना बहुत जरूरी है। नौकरानी के भरोसे उसे छोड़ जाना हमें ठीक नहीं लगता था। सुरेखा क्या आई नहीं हमसे कहा था खुद कि वो संभालेगी प्रिया को, प्रिया को भी नानी के पास रहना अच्छा लगता था। प्रिया रोज सुबह 7-8 बजे के करीब अपनी नानी के साथ उनके घर चली जाती थी और शाम होते ही वापस लौट आती थी। यानी कि वो अपने आई बाबा के साथ बहुत कम वक्त बिताती है। जी हाँ, लेकिन सुरेखा भाभी और अजय भाई साहब अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं। वो है ही इतनी प्यारी, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए मैडम, किसी भी इंसान को असल से सूद हमेशा ज्यादा प्यारा होता है। कविता और भाई साहब दोनों प्रिया की बहुत अच्छी देखभाल करते थे, आखिर नातिन थी उनकी। लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही पूछ रही थी, शुक्रिया। और कुछ याद आया आपको? जब डॉक्टर ने हमें प्रिया के बारे में बताया तब मैंने और सुरेखा ने तय कर लिया था
कि हम अब दूसरे बच्चे के लिए नहीं सोचेंगे। हमारा सारा ध्यान प्रिया की अच्छे से परवरिश करने में लगाएंगे। हम जानते थे उसे पूरी जिंदगी हमारी जरूरत पड़ेगी। प्रिया को किडनैप हुए लगभग एक दिन हो गया था, लेकिन पुलिस की इतनी कोशिशों के बावजूद भी इस संवेदनशील केस में उन्हें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन प्रिया की कोई खबर नहीं मिली थी। और फिर स्केच आर्टिस्ट संजय लोखंडे को इस केस में एक ब्रेक थ्रू दिखाई दिया, लेकिन क्या यह ब्रेक थ्रू वाकई में किसी ठोस लॉजिक पर बेस्ड था या फिर सिर्फ एक इंट्यूशन? लगता है ये लोग नए हैं सर, अभी किसी गैंग में भर्ती हुए होंगे, इसलिए अब तक पकड़ में नहीं आए। लेकिन प्रिया को अगर कहीं बेचा है उन्होंने, तो अब तक तो हमारे हाथ में कोई ना कोई क्लू तो लगना चाहिए था। लगता है प्रिया को कहीं बाहर भेज दिया इन लोगों। क्या सोच रहे हो संजय? सर पता नहीं, इस केस को लेकर मुझे अलग सी फीलिंग आ रही है। इसे आप मेरा शक या फिर इंट्यूशन समझ सकते हैं सर? कहना क्या चाहते हो? सर प्रिया की नानी उस आदमी या औरत या फिर उस रिक्शे वाले में से किसी का भी हुलिया बता नहीं पाई थी ठीक से, और ये जो भी स्केचेस मैंने बनाए ये बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। ये तो हम भी जानते हैं कि एक्यूरेट स्केचेस नहीं है, और एक अंदाजा तो मिल ही जाता है ना किडनैपर्स का। सर मुझे तो लगता है ये स्केचेस जो मैंने बनाए हैं, ये आदमी असल में है ही नहीं, दे डोंट इवन एग्जिस्ट। सर मैंने आपके लिए सैकड़ों स्केचेस बनाए हैं, लेकिन जिससे से प्रिया की नानी ने इनका हुलिया बयां किया है, सर मुझे तो लगता है वो झूठ बोल रही है या फिर वो जानबूझ के कुछ छुपा रही, एंड इट्स माय गट फीलिंग। सर मुझे लगता है कि ये मामला अंदरूनी है। नहीं संजय, मुझे ऐसा नहीं लगता। इस पर्सनल एंगल को दोबारा टटोलते हैं, शायद संजय का इंट्यूशन सच हो। अक्सर अंदरूनी घाव जल्दी नजर नहीं आते। नहीं सर, चारों के क्वालिटी चेक किया, शक करने लायक कोई बात नजर नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा ये माजरा है क्या, अभी तक एक भी क्लू हमारे हाथ नहीं आया। आखिर ये प्रिया गई तो गई कहां? प्रिया के कथित अपहरण के एक दिन बाद प्रिया की लाश बरामद हुई। किडनैपिंग का केस अब मर्डर केस में तब्दील हो गया था। आखिर किसने किया था एक 6 साल की मासूम बच्ची का खून, और क्यों?
कल से प्रिया मिसिंग थी और हम कुछ नहीं कर पाए। अखबारों में भर भर कर हमारी नाकामयाबियां और इनकॉम्पिटेंस पर आर्टिकल्स छपेंगे, लिखेंगे जब बच्ची अगवा हुई तब हम किडनैपर्स को पकड़ नहीं पाए, और अब जब बच्ची को मार दिया गया है तभी भी हम किडनैपर्स को अरेस्ट नहीं कर पा रहे। सॉरी सर, पर हमें शक है कि प्रिया की किडनैपिंग नहीं हुई थी। ये शक वाली बात तुम्हें कल कहनी चाहिए थी। अब कहोगे तो ये समझेंगे कि पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बहाने बना रही। बात सबूत के बिना पर ही हो सकती है। कुछ भी करके पता लगाओ कि प्रिया के साथ हुआ क्या था और किसने किया। यस सर। सर, अगर ये किसी गैंग का काम था तो उन्हें पता लग गया होगा कि हम प्रिया को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में प्रिया को अपने पास रखना उनके लिए खतरा बन सकता था। मुझे लगता है केस गर्मा गया था, इसलिए किडनैपर ने बच्ची को मारा होगा। पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बार बार संजय की बात घूम रही है। सर, मुझे लगता है कि ये मामला आपसी है। हम लोगों ने इतने सारे रिक्शा वालों से पूछताछ की, पर ना ही हमें वो किडनैपिंग वाली रिक्शा मिली, ना ही उसका ड्राइवर, पर ना ही उन दो लोगों का पता चला जो उस वक्त रिक्शा में। सर, उस औरत के स्केच को लेकर वेस्टर्न और सेंट्रल सबब के सारे इलाके छान मारे, लेकिन उस औरत का भी कुछ पता नहीं चला। बापट, मुझे लगता है कि हम लोग गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे, इसलिए शायद हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। शायद संजय का इंट्यूशन सही है। प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट से कुछ शॉकिंग फैक्ट सामने आए हैं। बताइए, क्या पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से? आपने प्रिया के किडनैप होने का जो टाइम बताया था उससे लगभग 10 घंटे पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके लंग्स में पानी था, इसका मतलब उसकी मौत पानी में डूबने से ही हुई है। मुझे याद है आपने मुझे कहा था कि उसकी नानी उसे खाना खिलाकर उसे अपनी माँ के पास छोड़ने गई थी। इट्स राइट? जी हाँ, लेकिन बच्ची के पेट में खाने का एक दाना तक नहीं था। आज सुबह उसका खाने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। कविता जी कहाँ हैं? क्या हुआ, प्रिया के कातिल का कुछ पता चला? जी हाँ, कातिल के नजदीक हम लोग पहुंच ही गए। आपने बहुत मदद की हमारी कातिल को ढूंढने में, बस थोड़ी सी मदद और कर दीजिए। आपको लगता है मैंने आपको प्रिया के बारे में झूठी जानकारी दी है? मैं अपने नातिन के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी? नानी हूं मैं उसकी। नानी माँ, झूठ तो बोला है आपने। ना ही प्रिया की किडनैपिंग हुई थी, ना ही आप किसी ऑटो में बैठी थी। जो किडनैपिंग की कहानी आपने हमें बताई थी ना, उसके 10 घंटे पहले प्रिया मर चुकी थी। झूठ! आप असली गुनहगार को पकड़ नहीं पाए, मेरी नातिन को बचा नहीं पाए, इसलिए आप मुझे फंसा रहे। कविता जी, नौटंकी बंद कीजिए। एक्टिंग करते करते जो ओवर एक्टिंग की ना आपने, उसी ने आपका भांडा फोड़ दिया। क्या कहा था आपने? प्रिया को घर छोड़ने के पहले उसे खाना खिलाया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया कि उसके पेट में अनाचा एक दाना भी नहीं था। सब झूठ बोला है आपने। सच तो यह है कि आप ही हो प्रिया के कातिल। सच कहा आपने, प्रिया को उसकी अपनी नानी ने ही मार डाला। झूठ कहा इसलिए सबसे। आपको पता था ये सब? जी हाँ, जब ये नाटक शुरू हुआ उसी सुबह प्रिया मर चुकी थी। प्रिया कहाँ है? कविता, मैं कुछ पूछ रहा हूं, कहाँ है प्रिया? कविता, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे कहां है प्रिया?
आपने प्रिया को पानी में डुबोकर मार डाला? अरे आपकी नातिन थी वो, आपकी बेटी की बेटी। ये सब मैंने अपनी बेटी के लिए ही किया। प्रिया मेरी बेटी के लिए एक बोझ बन चुकी थी जिसे उसे जिंदगी भर उठाना था, जिंदगी भर संभालना था उसे। क्या सुरेखा ने कभी कहा था आपसे? नहीं साहब, सुरेखा ने कभी कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तो सब देख रही थी। प्रिया के लिए वो दोनों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। उन्होंने तो ये भी फैसला कर लिया था कि दूसरी औलाद के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन ये सब कब तक चलता, कब तक? प्रिया एक स्पेशल चाइल्ड थी, सिर्फ इसी वजह से आपने उसको मार डाला। आप नहीं समझेंगे साहब, आसान नहीं था उसकी परवरिश करना। सबसे ज्यादा वक्त मैंने बिताया था उसके साथ। मैं ही जानती हूँ क्या महसूस होता था मुझे। आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा था, आप अपनी मर्जी से उसे संभाल रही थी। और प्रिया को संभालने में आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आपको अपनी बेटी से बात करनी चाहिए थी। आपको कोई हक नहीं बनता था प्रिया की जान लेने का। क्या सुरेखा और अजय भी इस गुनाह में शामिल थे? नहीं साहब, उन दोनों की तो जान बचती थी उसमें, उन दोनों ने कुछ नहीं किया। आपने पहले सच क्यों नहीं बताया? साहब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कविता प्रिया के साथ ऐसा भी कर सकती है। पर इन्होंने ऐसा किया, आपको सब पता था, फिर भी आपने ये बात छुपाई। चुप रहकर किडनैपिंग वाली झूठ मूठ की कहानी सच साबित करने में आपने भी इनका साथ दिया। प्रिया के आप भी गुनेगार हैं। तरस आता है आपकी सोच पर और तरस आता है आपकी बेटी पर। प्रिया मेरी बेटी थी आई, अगर तुझे उससे कोई परेशानी थी तो तू मुझे बता सकती थी ना आई। सुरेखा, मैं तुम्हारे आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। जिंदगी भर प्रिया की वजह से जो मुसीबतें तुम दोनों को उठानी पड़ती। झूठ बोल रही है तू आई, तू झूठ बोल रही है। प्रिया हमारे लिए कभी कोई मुसीबत नहीं थी आई, ना कभी हो सकती थी। बेटी थी वो हमारी आई, और तूने हमारी बेटी को हमेशा के लिए हमसे अलग कर दिया। अब हम उसके बगैर कैसे जिएंगे आई? कविता को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, पुरुषोत्तम और कविता को धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। पुरुषोत्तम पर गलत जानकारी देने के लिए आईपीसी की धारा 211 भी लगाई गई है। कविता और पुरुषोत्तम दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। कविता इस वक्त काफी मानसिक तनाव में है और अपने किए पर पछता रही है। प्रिया के माँ बाप अपनी बेटी को खोने के दुख से अब तक उभर नहीं पाए हैं। औलाद चाहे जैसी भी हो, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो हमेशा अजीज होती है, जैसे प्रिया अपने माँ बाप के लिए थी। और प्रिया की कमी उन्हें हमेशा खलेगी। एक स्पेशल चाइल्ड को जरूरत होती है स्पेशल केयर की, और जो लोग ये जिम्मेदारी उठाते हैं उनका काम यकीनन मुश्किल है। लेकिन आज हम इस ऐसे मॉडर्न दौर में रह रहे हैं जहां ऐसे बच्चे डिसेबल्ड नहीं बल्कि डिफरेंटली एबल कहे जाते हैं। उनके लिए स्पेशल स्कूल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो दिन रात पूरी लगन के साथ इस फील्ड में काम कर रहे हैं ताकि हर स्पेशल बच्चे को बेहतर जिंदगी मिल सके।
वो अपनी जिंदगी सर उठाकर जी सके। स्पेशल बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी मुहैया कराने के प्रयास हो रहे हैं ताकि हर बच्चे को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले और मौका भी। प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद और अमानवीय है। हर बच्चे की तरह प्रिया को भी जीने का और गरिमा के साथ जीने का पूरा हक था। क्या हुआ अगर वो नन्ही लाचार जान अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकती थी, अपना विरोध नहीं दर्शा सकती थी। पर सच तो ये है कि वो हम में से ही एक थी, हमारी तरह उसे भी ये जिंदगी सौगात में मिली थी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अंधाधुंध रोष व्यक्त करने से पहले मसले की जड़ को समझना जरूरी है। किसी भी घटना का एक अनदेखा पहलू भी हो सकता है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।